हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज अपन थोड़ा सा फास्ट यूजर से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ये सोचकर कि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रैक्टिकल में एक सॉल्यूशन आपको बार 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 लिखना पड़ रहा है या रटना पड़ रहा है, बट समझ ही नहीं पा रहे ये सॉल्यूशन क्या है। मैं नहीं चाहता था ये टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बट इस टॉपिक के बारे में आप बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हो क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। बस LS सॉल्यूशन, लेस आने विलियन रटते जा रहे हो ना। बट ये है क्या, है ना, ये अपना फंक्शनल ग्रुप के अंदर टेस्ट फॉर एलिमेंट यानी कि तत्व का परीक्षण आप इंडेक्स में किसी भी प्रैक्टिकल में, चाहे उसमें एब्सेंट है प्रेजेंट है, बट आपको लिखना पड़ रहा है। उसके लिए आपको बार बार लेस आने विलियन का आप नाम ले रहे हो, जिक्र कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो उसको, बट पता ये नहीं चल रहा कि लेसाने विलेन है क्या। तो अपना यही आज का टॉपिक है कि लेसाने टेस्ट होता क्या है और लेसाने टेस्ट हम क्रियात्मक समूह जो आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है थर्ड प्रैक्टिकल में ही हम इसका क्यों प्रयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। देखो भाई, अपना जो सेकंड प्रैक्टिकल है रेडिकल्स, वो आपको पता है जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, है ना, आयनिक करेक्टर रखते हैं तो इजिली डिजोल्व होते हैं, उनमें कोई मैटर नहीं है। बट जो अपना फंक्शनल ग्रुप वाले जो मतलब थर्ड नंबर का प्रैक्टिकल है वो एक कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सेंसेटिव जो करेक्टर ज्यादा रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए उनका मतलब डिजोल्व होना या उनका आयनों में टूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे टेस्ट मतलब टेस्ट फॉर एलिमेंट्स टेस्ट फॉर एलिमेंट जो है वो अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑनली फॉर नाइट्रोजन का ही करते हैं 12th में। तो अभी नाइट्रोजन का टेस्ट के लिए आपको पता है लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आई पहले अपन इस लेसाने जो टेस्ट है, लेसाने सॉल्यूशन है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी चर्चा करते हैं गाइस। देखो, इसके लिए आपके पास लैब में एक छोटी सी ये जर्नल नली कहलाती है। क्या नाम है इसका? जर्नल नली, इग्निशन ट्यूब, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अब करना क्या है, आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है और उसके साथ आपको लेना क्या है, सोडियम। आपको पता है सोडियम बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसे थोड़ा सा पानी से दूर रखें क्योंकि पानी में पता है अभी आग पकड़ लेता है। तो सोडियम का छोटा सा पीस, मतलब गेहूं का आधा दाना छोटा सा पीस काटे और उसको फिल्टर पेपर की सहायता से काफी अच्छा उसको सुखाएं, मतलब ड्राई करें। उसके बाद इस जर्नल नली में वो सोडियम का टुकड़ा डालें। उसके बाद इस सोडियम से 2-3 गुना, मतलब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक आध ड्रॉप अगर सॉलिड है तो एक आध ग्राम इसके अंदर वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी के अंदर डाले। इतना करने के बाद इसको बर्नर पर इसको होल्डर की सहायता से, टोंग की सहायता से इसको पकड़कर, सिर्फ इसको उबालना नहीं है, इसको बहुत धीरे धीरे इसको रेड ब्लड हॉट, मतलब रक्त तप्त, कितना रक्त तप्त, रेड ब्लड हॉट, इतना गर्म करना है कि ये रक्त के जैसे लाल हो जाए, ठीक है, इसको इजीली। उसके बाद एक दूसरी तरफ अपने पास एक बॉइलिंग ट्यूब होती है, उसको आधा भर लेते हैं एब्सोल्यूट वाटर से, मतलब अशुद्ध जल, और फिर इसको इस रेड हॉट को इसमें डाल देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। डाल के क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा और गर्म करके अपन फिल्टर करेंगे, क्योंकि फिल्टर आपको पता है इसमें जो ग्लास के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े बच गए टूटने से, उसको अपन फिल्टर करेंगे, ठीक। इस प्रकार से बना सॉल्यूशन अपना क्या कहलाता है, लेसाने सॉल्यूशन। अच्छा, इस लेसाने सॉल्यूशन में हुआ क्या, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात करा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इजिली टूटते नहीं है, और सोडियम मेटल के साथ इसलिए रिएक्शन किया गया है क्योंकि ये आपको पता है सोडियम और अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन,
और ये टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए है स्पेशली, इसलिए ये क्या बनता है यहाँ पे NaCN सोडियम साइनाइड, और आपको पता है सोडियम साइनाइड आयनों में इजीली टूट जाता है और यहाँ आपको एक साइनाइड मिल जाता है। दिस इज साइनाइड, ये एक लिगेंड के रूप में भी काम करेगा और आगे इसका यही फंक्शन है इस साइनाइड का। तो ये तो था गाइज ये लेसाने विलयन बनाने का मेथड, लेसाने विलयन बनाने का प्रोसेस कि लेसाने विलयन है क्या। अब ये लेसाने विलयन अपन जो ये तो बनाने का मेथड, अब ये लेसाने विलयन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कैसे बार बार प्रयोग आ रहा है, कैसे कब प्रेजेंसी की मतलब फीलिंग दे रहा है कब नहीं दे रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं। लेसाने विलयन बनाने के बाद तत्व के परीक्षण में अपन क्या करते हैं, स्टार्ट आपने स्टार्ट करते हो टेस्ट फॉर एलिमेंट। आप यहाँ पे सबसे पहले आप जो ऐसा नंबर लगा रहे हो रजिस्टर में है ना, वहां पे आप लिख रहे हो एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। फिर एक कॉलम बना रहे हो गाइस आप किसका, ऑब्जर्वेशन का बना रहे हो, यानी कि आप प्रेक्षण देख रहे हो। और लास्ट में गाइस एक चीज और बनाते हो आप निष्कर्ष इन्फ्रेंसेस। अब ये है क्या चीज, अब आप लेसाने विलयन बन गया, आप यहां से स्टार्ट करते हो। इसको एक बार देखो, ये बनाने का मेथड था, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। मिला क्या है आपसे, आपको ये इसकी उम्मीद रखना, आप क्या मिला है इससे लेसाने विलयन से अपने को सोडियम साइनाइड मिला है। ये सोडियम साइनाइड अब अपने ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और हमको कैसे नाइट्रोजन की प्रेजेंसी की फीलिंग देता है या नहीं देता है, इसके टेस्ट में अपन अब आगे इस प्रयोग में आप रिकॉर्ड में बार बार क्या लिख रहे हो इस मैटर में बात करते हैं। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट में आपको पता है तीन टेबलें बना रहे हो, ओके, तीन टेबलों में आप ऐसी चीजें देखते हो रिकॉर्ड के अंदर। अब आप यहां क्या करते हो, टू टेक ऐसे लेते हो, क्या टू टेक LS लेस आने विलियन, यानी कि 1-2 ml टू टेक, ये लिख सकते हो 1 ml LS सॉल्यूशन प्लस 2 ml NaOH सॉल्यूशन प्लस 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके अंदर आप क्या कर रहे हो ले रहे। इतना करने के बाद आपको यहां पे कुछ ग्रीन पीपीटी होती है, क्या ए फॉर्म्ड बाय ग्रीन पीपीटी, ग्रीन पीपीटी यानी कि यहां पे आपको क्या मिल रहा है, हरा अवक्षेप मिलता है, ठीक है। अब ये हरा अवक्षेप क्या है, जैसे आपने अभी कहा कि हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है, NaOH प्लस FeSO4, तो यहां होता क्या है इसके अंदर Na2SO4 प्लस Fe, ये हरा आता है, हरा अब पीपीटी आउट होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। आगे देखो क्या होगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, अब आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड जो लेसाने विलयन में बना था कौन सोडियम साइनाइड, उसके साथ देखना क्या करना चाहता है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस 6 NaCN और ये बना देता आपका Na4FeCN6 Na4FeCN6 प्लस क्या बन जाएगा NaOH 2 NaOH सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या बन जाएगा ये सोडियम फेरोसाइनाइड या सोडियम हेक्सा फेरेट सेकंड, ठीक है। ये संकुल बना, अब आगे आप और चीज करते हो इसके अंदर ओबे जो आपका या जो ग्रीन पीपीटी है आपकी जो ग्रीन पीपीटी है उसमें क्या ऐड कर रहे हो, ऐड
फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4। अब आपको पता है ये फेरिक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा उसके साथ, अब फेरिक सल्फेट और आपका ये वाला सोडियम पेरोक्साइड Na4+3FeCN6+ आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस। लेकिन ये भी कितने बनेंगे यहाँ पे, इसकी बैलेंस फिर से करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ पे देखो गाइस आपका बन जाएगा 2। देखो ये बनेगा क्या 4 Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, और यहां से आपका 3 6 Na2SO4 क्या निकल जाएंगे 6 Na2SO4। ये बनता है फेरोसाइनाइड। ये है ब्लू कलर फेरी फेरोसाइनाइड जो है, ये आपका ब्लू कलर ये बनता है। अगर ऐसा होता है पूरी रिएक्शन में ये प्रोसेस है तो आपका क्या होगा एन प्रेजेंट होगा, क्या निष्कर्ष निकल रहा है एन प्रेजेंट, और अगर ऐसा नहीं होता तो एन अब्सेंट। एन प्रेजेंट है तो आपका अमाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है ना, एनिलीन जो भी, एन प्रेजेंट के लिए ये सब दिया गया है, नाइट्रोजन है या नहीं है। इसके केस में ये लेसानविलेन बनाते हैं, नाइट्रोजन की प्रेजेंसी के लिए लेसानविलेन बना देता है। तो गाइस लेसानविलेन आपका लेसान सॉल्यूशन बनाने की जो मेथड है वो, एंड लेसानविलेन कैसे काम कर रहा है वो, क्यों बार बार हम तत्वों के परीक्षण में लेसानी कर रहे हैं, ये क्या चीज थी, इसके बारे में आपको ये पूरी डिटेल दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं था। आप बार बार लिखते हो लेसानविलेन प्लस NaOH प्लस ताजा फेरस सल्फेट ग्रीन पीपीटी यानी कि हरा अवक्षेप प्राप्त होता है, उक्त अवक्षेप में तनु H2SO4 मिलाने पर नीला अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, नीला कलर नहीं हुआ, एन अनुपस्थित हुआ, एन उपस्थित, ये सब कर रहे हो, लेकिन ना ये था क्या चीज ये बताइए, ठीक है। तो ये अभी आपको पता है सब कभी कभार सोच लेते हैं तो एक्सटर्नल खूब पूछता है इसके बारे में क्वेश्चन, लेसानविलेन बनाया कभी, कैसा होता है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ये क्या है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन जुड़े होते हैं, तो इससे काफी सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी जुड़े होते हैं गाइस। तो ये अपना अलग से था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्रैक्टिकल में, बाकी प्रैक्टिकल का अपने दिया नहीं, बाकी तो लोग वो भी बोल रहे हैं कि सर रेडिकलों का प्रोसेस भी बताओ, रेडिकलों के क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कैसे निकालते हैं रेडिकल, वो भी काफी लंबा मतलब टॉपिक है, देखेंगे अगर लगेगा कि हाँ ये चीज अब बतानी है, बाकी अपना फास्ट रिविजन चल रहा है वो टॉपिक कंटिन्यू आएंगे, और नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज।